फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल गवर्नमेंट वैकेंसी इन्फो में। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए लेके आया हूँ कतर फ्री जॉब, जो बिल्कुल फ्री है और काफ़ी अच्छी है। ये जॉब डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट क्लासीफाइड न्यूज़ और डायरेक्ट HR ईमेल के थ्रू होता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी डिटेल से बताने वाला हूँ। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जब ताकि मैं जब भी अपडेट करूं या वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वैलिडिटी 10 से 15 दिन होने वाली है। फर्स्ट वैकेंसी निकल के आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, इंडस्ट्री उधर है, इंट्री लेवल की जॉब है दोस्तों, जॉब लोकेशन कतर है, सैलरी इंटरव्यू टाइम डिस्कस होगी, एक साल के एक्सपीरियंस में आ गया, फुल टाइम जॉब है दोस्तों मेल के लिए, तो आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन दोस्तों आप देख लें, अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसको पॉज करके पढ़ लें और तभी आप अप्लाई करें। और नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आती है कॉन्टेंट की, इंडस्ट्री उधर है और मिड करियर है दोस्तों, कतर जॉब लोकेशन है, सैलरी आपके इंटरव्यू के टाइम डिस्कस होगी और एक्सपीरियंस मात्र 3 साल मांगा गया है और जॉब टाइप फुल टाइम है दोस्तों, इंडियन मेल के लिए, और नंबर और ईमेल दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन दोस्तों देख रहे हैं, बहुत ही छोटा डिस्क्रिप्शन है, ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं किया गया, तो डिस्क्रिप्शन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 6G टी एंड आर्क वेल्डर की है, इंडस्ट्री उधर है और मिड कैरियर है दोस्तों, जॉब लोकेशन कतर है, सैलरी आपके इंटरव्यू के टाइम डिस्कस होगी और एक्सपीरियंस का बात किया जाए तो 5 साल मांगा गया है, फुल टाइम जो है दोस्तों मेल के लिए, तो आप अच्छी तरीके से आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए क्या क्या इसमें डिमांड है, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए, उसको पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर आप स्क्रीन शॉट ले भी सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इंडियन मेल के लिए दोस्तों, इंडस्ट्री उधर है, मिड करियर है, जॉब लोकेशन कतर है और सैलरी आपके इंटरव्यू के टाइम डिस्कस होगी, 3 साल का एक्सपीरियंस में आ गया, फुल टाइम जो है दोस्तों मेल के लिए, तो आप देख ले अच्छी तरीके से, डिस्क्रिप्शन पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ के उसके बाद ही आप अप्लाई करें। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एडमिन सेक्रेटरी और HR असिस्टेंट की वैकेंसी है दोस्तों, इंडस्ट्री उधर है, एंट्री लेवल की जॉब है, मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, सैलरी आपके इंटरव्यू के टाइम डिस्कस होगी, कतर के लिए है, फुल टाइम दोस्तों फीमेल के लिए है, तो आप डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो गया है दोस्तों, थोड़ा सा तो इसको अच्छी तरीके से पोज करके और पढ़ लीजिए इसमें क्या क्या डिमांड कर रहा है, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, आर्किटेक्ट की है जो दोस्तों, इंडस्ट्री आर्किटेक्चरल है, मिड कैरियर है, जॉब लोकेशन कतर है और सैलरी आपकी इंटरव्यू के टाइम डिस्कस होगी और 2 साल का एक्सपीरियंस मात्र मांगा गया है, फुल टाइम जॉब है दोस्तों मेल के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन भी देख पा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें और इसके बाद अप्लाई कर दे। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ, तो अकाउंटेंट की डिमांड है दोस्तों, इंडस्ट्री है उधर, मिड कैरियर है और जॉब लोकेशन कतर है और दोस्तों इंटरव्यू के टाइम आपकी सैलरी डिस्कस होगी और 3 साल का एक्सपीरियंस मात्र मांगा गया, फुल टाइम जो है दोस्तों मेल के लिए, तो आप नंबर भी इसमें दिया हुआ है और ईमेल दोनों देख लीजिए अच्छी तरीके से और डिस्क्रिप्शन भी दोस्तों अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, इसमें जी सी एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसी को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, सिविल इंजीनियर और सेफ्टी ऑफिसर की है, इंडस्ट्री उधर है, मिड करियर है, जॉब लोकेशन कतर है और सैलरी आपकी इंटरव्यू के टाइम डिस्कस होगी और मात्र इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, फुल टाइम जॉब है दोस्तों मेल के लिए, तो आप अच्छी तरीके से मेल को देखिए और उस पर ईमेल कर दिए। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन जो है तो उसको भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। और नेक्स्ट चलते हैं, अर्जेंटली रिक्वायरमेंट फॉर कतर, जी हाँ दोस्तों, कतर के लिए कुछ वैकेंसी है वो हम नेक्स्ट पेज बताएंगे आपको, यहाँ बता दे रहे हैं मिड कैरियर है, जॉब लोकेशन कतर है और सैलरी आपको इंटरव्यू के टाइम डिस्कस होगी, इसमें एक्सपीरियंस तो नहीं दिया गया है, फुल टाइम है मेल के लिए, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट नंबर में है मासून कारपेंटर, स्टील फिक्सर, इलेक्ट्रोशियन, प्लम्बर और फोरमैन के लिए दोस्तों, NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसमें होना चाहिए दोस्तों, वो जरूरी है अगर दूसरे कंपनी में काम करते हैं आप तो। दूसरा नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, HR एंड एडमिन असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी की वैकेंसी है, जॉब लोकेशन कतर है, मिड कैरियर है और इंडस्ट्री उधर है, मात्र 2 साल के एक्सपीरियंस में आ गया, फुल टाइम है फीमेल के लिए,
तो आप अच्छी तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लेंदी हो गया है, तो डिस्क्रिप्शन भी ज़्यादा नहीं है, इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। जो जो पॉइंट आपका सीवी में मेंशन नहीं है वो मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, अकाउंटेंट बुक कीपर की दोस्तों इंडस्ट्री है उधर, मिड करियर, जॉब लोकेशन कतर है और सैलरी इसमें दिया गया दोस्तों 2000 यानी कि 2000 रियाल है और एक्सपीरियंस इसमें नहीं दिया गया, फुल टाइम जो है दोस्तों मेल के लिए, और डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दिया गया, ज़्यादा कुछ नहीं डिमांड है दोस्तों यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं। एकोमोडेशन जो है फ्री है, कंपनी की तरफ से ट्रांसपोर्टिंग भी है, एयर टिकट है, मस्ट चेंज। नेक्स्ट दोस्तों जिम इंस्ट्रक्चर का दोस्तों इंडस्ट्री उधर है, मिड करियर है, जॉब लोकेशन कतर है और सैलरी अनस्पेसिफाइड यानी कि आपको इंटरव्यू टाइम डिस्कस होगी, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, फुल टाइम मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बहुत ही सिंपल है, वांटेड फॉर गल्फ एक्सपीरियंस मेल और फीमेल, जिम इंस्ट्रक्टर फॉर न्यूली ओपन जिम, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट सेल्स प्रोफेशनल FMCG, कैशमैन, सेल्समैन, सेल्स एक्सिक्यूटिव और इंडस्ट्री सिक्योरिटी कंपनी दोस्तों एंट्री लेवल की जो है मात्र 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस मांगा गया, फुल टाइम जो है दोस्तों मेल के लिए, तो इसमें लोकेशन भी दिया गया है और आप इस अगर कतर में है तो आप इंटरव्यू जाके फेस कर सकते हैं दोस्तों 13 तारीख और 14 जुलाई को आपको दिया है डेट दोस्तों। नेक्स्ट बात किया दोस्तों प्रोजेक्ट मैनेजर स्काफ फोल्डिंग इंजीनियर की डिमांड है, इंडस्ट्री है दोस्तों स्काफ फोल्डिंग और करियर है मिड करियर, जॉब लोकेशन कतर है, सैलरी आपको इंटरव्यू टाइम डिस्कस होगी, मात्र 3 साल का एक्सपीरियंस है, फुल टाइम जॉब है दोस्तों और डिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों स्काफ फोल्डिंग की कंपनी है और ये प्रोजेक्ट मैनेजर स्काफ होल्डिंग इंजीनियर डिमांड है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं सिक्योरिटी कंपनी है दोस्तों दोहा में, सिक्योरिटी कंपनी है, मिड करियर है दोस्तों और ये जॉब लोकेशन कतर है, सैलरी आपके इंटरव्यू के टाइम डिस्कस होगी और एक्सपीरियंस इसमें नहीं दिया गया, फुल टाइम जॉब है दोस्तों मेल के लिए और डिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे बहुत सारी जॉब है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, पेट्रोलिंग सुपरवाइजर, सेल्स एक्सिक्यूटिव फीमेल, रिसेप्शनिस्ट अरेबिक फीमेल यानी कि अरबिक थोड़ा लैंग्वेज आना चाहिए दोस्तों और रिसेप्शनिस्ट फिलिपिनो फीमेल के लिए दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों गैंट्री क्रेन ऑपरेटर इंडस्ट्री उधर है, मिड करियर दोस्तों, जॉब लोकेशन कतर और सैलरी आपके इंटरव्यू के टाइम डिस्कस होगी, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया दोस्तों, फुल टाइम है दोस्तों मेल के लिए, तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं कैंडिडेट शुड हैव 3 से 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑपरेटिंग ऑफ जेंट्री क्रेन, जी हाँ दोस्तों। और नेक्स्ट चलते हैं सिक्योरिटी मैनेजर की डिमांड है दोस्तों, सिक्योरिटी कंपनी है, मिड करियर है, जॉब लोकेशन कतर है और सैलरी आपकी इंटरव्यू के टाइम डिस्कस होगी, 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, फुल टाइम जो है दोस्तों मेल के लिए और अच्छी तरीके से आप। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों चीफ अकाउंटेंट का जो है दोस्तों, सिक्योरिटी कंपनी है वही सेम है, मिड करियर है, जॉब लोकेशन कतर है और सैलरी इंटरव्यू के टाइम डिस्कस होगी, इसमें 5 साल का मात्र एक्सपीरियंस मांगा गया, फुल टाइम जो दोस्तों मेल के लिए। और इसी में है दोस्तों सेल्स मैनेजर रिटेल सेल्स यानी कि एक पोस्ट है और इसमें दोस्तों सिक्योरिटी कंपनी है, मिड करियर है, कतर जॉब लोकेशन है और सैलरी आपको इंटरव्यू के टाइम डिस्कस होगी, 5 साल का एक्सपीरियंस है, फुल टाइम जॉब दोस्तों मेल के लिए। और इन तीनों जो जॉब था दोस्तों इन तीनों का डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान में रख के दोस्तों, इसमें GCC का जो है इस कतर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो आपको, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका मन में कोई डाउट है और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका सवाल का जवाब देने के लिए। बाकी थैंक यू।